नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 16 अप्रैल दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी आज। बिहार के स्कूलों में बच्चों की बढ़ी संख्या। मनीषा रानी की बॉलीवुड के फिल्मों में काम करने की चर्चा तेज। निखिल कामत युवा कारोबारियों की करेंगे मदद। बिजली को बचाने के लिए एसी चलाते समय इन बातों का रखें ख्याल। आज केकेआर और राजस्थान की टीम की होगी टक्कर। अब चले बढ़ते हैं बिहार कैप्टन के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल के 4000 से भी अधिक पदों पर निकली भर्ती। आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल के 4660 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रेलवे के पुलिस फोर्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदक इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट https://rpf.indianrailways.gov.in/rpf/ पर अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई पदों पर आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक में उत्तीर्ण भी होना जरूरी है। अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी आज। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक माँ महागौरी की पूजा करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं। इससे मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अष्टमी के दिन कई लोग कन्या पूजन भी करते हैं। इसके बाद नवरात्रि के व्रत का पारण करते हैं। मालूम हो कि नवरात्रि के मौके पर माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का हर दिन का महत्व होता है, लेकिन महाअष्टमी के साथ ही महानवमी को श्रेष्ठ माना जाता है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे देवकी नंदन खत्री के बारे में। ये हिंदी के प्रथम तिलस्मी लेखक थे। इनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में 18 जून वर्ष 1861 में हुआ था। इन्होंने चंद्रकांता, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोदना, कटोरा भर और भूतनाथ जैसी कई प्रसिद्ध रचनाएं की। इन्होंने वाराणसी में लहरी प्रेस नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की थी और वर्ष 1900 में हिंदी मासिक सुदर्शन का प्रकाशन प्रारंभ भी किया था। 1 अगस्त वर्ष 1913 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। कन्या उत्थान योजना के लिए करें आवेदन। बिहार में कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। मालूम हो कि साल 2024 में इसके तहत उत्तीर्ण अविवाहित लड़कियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्राएं शिक्षा विभाग के मेधा ई कल्याण पोर्टल https://ekalyan.bih.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सभी और द्वितीय श्रेणी से पास होने वाले उत्तीर्ण अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की छात्राओं की सहायता की जाएगी। ये लाभ उठाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मालूम हो कि इंटर में पास छात्राओं को 25,000 रुपए के प्रोत्साहन राशि दिए जाते हैं, तो वहीं मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से पास करने वाले छात्राओं को 10,000 और द्वितीय श्रेणी से पास करने वाले उत्तीर्ण अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की छात्राओं को 8,000 रुपए की राशि दी जाती है। बिहार के स्कूलों में बच्चों की बढ़ी संख्या। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। निजी स्कूलों से नाम कटवाकर बच्चों का 9वीं कक्षा में दाखिला करवाया जा रहा है। इस साल बिहार स्कूल एग्जामिनेशन द्वारा 9वीं कक्षाओं में दाखिले का रजिस्ट्रेशन पहले की तुलना में अधिक हुआ है। साल 2023 में 1.5 लाख छात्रों ने 9वीं की कक्षा में रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो वहीं साल 2020 से लेकर 2023 तक 5 लाख छात्र ने निजी स्कूल से सरकारी स्कूलों में आए हैं। इस साल इस संख्या के और बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। बताया जाता है कि कोरोना काल से सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ा है। सरकारी योजनाओं को भी इसका एक कारण माना जा रहा है। बिजली को बचाने के लिए एसी चलाते समय इन बातों का रखें ख्याल। गर्मियों ने लोगों को परेशान कर दिया है। ऐसे में एसी काफी मददगार साबित हो सकती है, लेकिन इसके कारण आपकी जेब पर भी असर पड़ सकता है। एसी चलाने के दौरान कई बातों का ख्याल रखकर बिजली बिल को बचाया जा सकता है। पहले आपको तापमान का सही चुनाव। 16 डिग्री पर सबसे अधिक कूलिंग होती है। वही शरीर और पॉकेट के अनुसार 24 डिग्री तापमान ठीक है। ऐसा करके आप 6% बिजली बिल में कटौती कर सकते हैं। इसके अलावा एसी चलाने के दौरान खिड़की और दरवाजे बंद कर देना चाहिए। वहीं रात को एसी चलाने के दौरान इसे स्लीप मोड में डाल देना चाहिए। साथ ही एसी चलाने के वक्त हल्की स्पीड पर फैन को भी चला देना चाहिए। ऐसा करने पर एसी की हवा पूरे कमरे में फैलती है। वहीं एसी चलाने के दौरान कई लोग एसी को सिर्फ रिमोट के ही बंद कर देते हैं, लेकिन स्विच ऑन रहता है। ऐसा करने पर बिजली पर असर पड़ सकता है।
आईएसएस सिद्धार्थ ने पत्नी के साथ की बुलेट की सवारी। आईएसएस सिद्धार्थ ने पत्नी के साथ बुलेट की सवारी की। ये अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी के साथ चलचलाती धूप में बाइक पर नजर आए। इस तरह से एक बार फिर से आईएसएस सिद्धार्थ ने अपनी सादगी की मिसाल दी। इन्होंने हेलमेट पहनकर सुरक्षा नियमों का भी पालन किया था। इसका मकसद था कि आम लोगों को भी बाइक की सवारी के दौरान सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा सके। मालूम हो कि सिद्धार्थ बिहार के गृह सचिव के पद पर कार्यरत थे। हालांकि चुनाव आयोग के आदेश के बाद इन्हें इस पद से हटा दिया गया था। एस सिद्धार्थ की पत्नी भी आईएएस अफसर है। मनीषा रानी की बॉलीवुड के फिल्मों में काम करने की चर्चा तेज। बिहार की मनीषा रानी की बॉलीवुड के फिल्मों में काम करने की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल मनीषा रानी की एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वे द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री के साथ नजर आ रही है। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मनीषा फिल्मों की ओर रुख कर सकती है। मालूम हो कि झलक दिखला जा सीजन 11 के सफर में भी विवेक अग्निहोत्री ने मनीषा रानी का खुलकर समर्थन किया था। वहीं अब मनीषा रानी ने सोशल मीडिया पर अपने और विवेक अग्निहोत्री की फोटो को शेयर करके लिखा है कि विवेक सर बहुत ही विनम्र इंसान है। बिहार में लगाए जाएंगे हजारों आम के पौधे। बिहार में हजारों आम के पौधे लगाए जाएंगे। फिलहाल 1,60,000 हेक्टेयर में आम का उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद अब 800 हेक्टेयर में और आम का पौधा लगाया जाएगा। इसमें 80,000 आम के पौधे लगाए जाएंगे। इसकी कवायद राज्य भर में शुरू की जा रही है। राज्य के सभी 38 जिलों में इसको लेकर काम किया जाएगा। इससे अब उत्पादन का दायरा भी बढ़ जाएगा। ये बढ़कर 1,60,800 हेक्टेयर हो जाएगा। वर्तमान में ये 15,50,000 टन के आसपास है। बताया जाता है कि एक हेक्टेयर में 100 आम के पौधे लगाए जाएंगे। 7,736 टन आम का उत्पादन और बढ़ेगा। आज ही निपटा ले अपने काम, कल बैंक रहेंगे बंद। रामनवमी को लेकर कल यानी 17 अप्रैल को बैंक बंद रहेंगे। मालूम हो कि देश के अन्य राज्यों के साथ साथ बिहार में भी बैंक रामनवमी को लेकर बंद रहेंगे। वहीं रामनवमी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस दिन पटना में भी बैंक बंद रहेंगे, इसलिए इसे देखते हुए बैंक से संबंधित कार्यों को आज कर लेने की सलाह दी जाती है। बैंक एक जरूरी संस्थान है, ऐसे में बैंक बंद होने की स्थिति में कई कार्य अटक जाते हैं। ऐसे में ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पहले ही बैंक बंद होने की जानकारी दे दी गई है। मालूम हो कि इस दौरान ऑनलाइन सेवाएं चालू रहेंगी। बिहार के कई स्टेशनों से चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। बिहार के कई स्टेशनों से समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला रेलवे ने लिया है। यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए रेलवे ने ये फैसला लिया है। मालूम हो कि अत्यधिक भीड़ के कारण लोगों को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर रेलवे द्वारा पटना के रास्ते जयनगर एवं भागलपुर से उधना या नंदुरबार के लिए अनारक्षित स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। जयनगर उधना अनारक्षित स्पेशल आज जयनगर से खुलकर दरभंगा समस्तीपुर बरौनी मोकामा के रास्ते कल पटना रुकते हुए उधना पहुंचेगी। उधर भागलपुर उधना अनारक्षित स्पेशल आज भागलपुर से 12:30 पर खुलकर क्यूर मोकामा के रास्ते शाम में 6:10 पर पटना रुकते हुए 18 अप्रैल को उधना पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 09036 जयनगर नंदूर पैटर्न में आज हम बात करेंगे महाबोधि मंदिर के बारे में। ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो बिहार के बोधगया में स्थित है। इसी स्थल पर बोधि वृक्ष का एक वंशज भी मौजूद है, जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध तीर्थ यात्रा के लिए यह स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध को भूमि पुत्र मुद्रा में बैठे देखा जा सकता है। यहाँ केवल बौद्ध धर्म ही नहीं और भी कई धर्मों के पर्यटक आकर्षित होते हैं और घूमने आते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला देखते बनती है। लाखों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। यदि आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। निखिल कामत युवा कारोबारियों की करेंगे मदद। जेरोधा के फाउंडर निखिल कामत डब्ल्यूटी फंड के माध्यम से युवा कारोबारियों की आर्थिक मदद करेंगे। ये डब्ल्यूटी फंड के माध्यम से कारोबारियों की 20 लाख रुपए तक की सहायता करेंगे। इसके अलावा उन्हें मेंटरशिप भी देंगे। इसके बदले में युवा कारोबारियों से कुछ भी नहीं लिया जाएगा। निखिल कामत के स्पेशल फंड से 25 साल या उससे कम उम्र के 40 लोगों की सहायता की जाएगी। ये मदद हासिल करने के लिए वेबसाइट https://www.allthingswtf.com/wtfund पर जाकर अपनी जानकारी देनी होगी। मौसम विभाग ने गर्म और असुविधाजनक मौसम को लेकर इस दिन जारी किया अलर्ट। बिहार में बढ़ते गर्मी के बीच कई जगहों पर पूर्वा हवा के बहाव से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग द्वारा उत्तरी पहाड़ी से पश्चिमी विक्षोभ के कारण नमी वाली हवा का प्रभाव बताया जा रहा है। प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि आने वाले 18 और 19 अप्रैल को गर्म और असुविधाजनक मौसम की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है।
प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री और कुछ जगहों पर 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। चार प्रकार के आधार कार्ड में जाने अंतर। आधार कार्ड आम नागरिकों की पहचान है। ये चार प्रकार के होते हैं। UIDAI के द्वारा इसे जारी किया जाता है। चार तरीकों से आधार कार्ड को बनवाया जाता है। आधार लेटर, आधार PVC कार्ड, एम आधार और ई आधार को UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। आधार लेटर पेपर बेस्ड होता है। इसमें जारी करने की तारीख और प्रिंट डेट के साथ कोड होता है। आधार PVC कार्ड काफी हल्के होते हैं और इसमें सुरक्षा से जुड़े कई जानकारी शामिल होते हैं। इसमें डिजिटल हस्ताक्षर कोड भी होता है। ये पोस्ट के माध्यम से लोगों के पास आता है। वहीं एम आधार एक मोबाइल ऐप है जिसमें ऑनलाइन सत्यापन किया जाता है। ये आधार आधार कार्ड का डिजिटल रूप होता है। आज पूर्णिया और गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के पूर्णिया जिले में पहुंच रहे हैं। यहां वे जदयू के लोकसभा प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। PM के आगमन को लेकर जिले के रंग भूमि मैदान में विशाल मंच तैयार किया गया है। साथ ही पंडाल भी तैयार किया गया है। मंच को गेरुआ रंग के कपड़े से सजाया गया है। प्रधानमंत्री के साथ डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, CM नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी मौजूद रहेंगे। आज के दिन PM का गया जिले में भी कार्यक्रम है। यहां वो गांधी मैदान में जीतनराम मांझी के लिए जनसभा करेंगे। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन बांका में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही कहा कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यहाँ बेरोजगारी की समस्या है। NDA की डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री NDA के हैं, लेकिन इन्होंने गांव पंचायत और प्रखंड के लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। नरेंद्र मोदी ने महंगाई खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हमें मौका मिलने पर हमने लोगों को सरकारी नौकरी दी। कन्हैया कुमार की पप्पू यादव ने की तारीफ। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर दिल्ली से टिकट मिला है। उन्हें ढेर सारे शुभकामनाएं हैं। संघर्षशील युवा चेहरों को अवसर मिलेगा, तभी राजनीति बदलेगी। मालूम हो कि कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। इन्हें इस बार बेगूसराय की सीट से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बिहार की जगह दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया है। इन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली की संसदीय सीट से पार्टी ने टिकट दिया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार दो बार के सांसद और सिनेमा स्टार मनोज तिवारी को टक्कर देने वाले हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के बारे में मालूम हो कि ये JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने BJP के उम्मीदवार विवेक ठाकुर के लिए की वोट अपील। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन बिहार के औरंगाबाद पहुंचे। इसके बाद उन्होंने नवादा में भी जनसभा को संबोधित किया। नवादा में NDA के कामों के बारे में चर्चा करते ही योगी आदित्यनाथ ने NDA के प्रत्याशी विवेक ठाकुर के लिए वोट अपील की है। CM योगी आदित्यनाथ ने लोगों से नवादा से भाजपा के प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में वोट करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने की अपील की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गर्मी और बढ़ सकती है, लेकिन इसकी चिंता नहीं करनी है। कमल खिलाकर राजनीति का अपराधीकरण करने वाले लोगों की गर्मी निकाल दीजिए। आज KKR और राजस्थान की टीम की होगी टक्कर। IPL 2024 के 31वें मैच में आज KKR और राजस्थान की टीम की टक्कर होगी। इनके बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में टक्कर होगी। मालूम हो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर है, जबकि KKR की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। इस कारण दोनों ही टीमों के बीच होने वाला मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। दोनों ही टीम आज के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी। मालूम हो कि दोनों ही टीम ने अपने आखिरी मैच में जीत हासिल की थी। मौजूदा सीजन में राजस्थान का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। वहीं KKR की टीम भी बढ़िया फॉर्म में है। KKR और राजस्थान रॉयल्स में आप किसे सपोर्ट करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1853 में भारत में पहली रेल बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। इस ट्रेन में 14 बोगियां थी जिसमें 400 यात्री सवार थे। आज के दिन वर्ष 1919 में भारत के अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग कांड में मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रार्थना सभा और उपवास की घोषणा महात्मा गांधी ने की थी। आज के दिन वर्ष 2004 में भारत ने रावलपिंडी में तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को हराकर दोनों देशों के बीच आयोजित श्रृंखला 2-1 से जीती थी। आज के दिन वर्ष 1924 में भारतीय लेखक मदनजीत सिंह का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1978 में भारतीय अभिनेत्री लारा दत्ता का जन्म हुआ था।
लोकसभा चुनाव में पहली बार इतने नगद हुए बरामद। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होने वाला है। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है, कई प्रोटोकॉल जारी किए जा रहे हैं, साथ ही पारदर्शिता बरतने की पूरी कोशिश हो रही है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी आयोग सख्त कार्रवाई कर रहा है। अब इसी कड़ी में एक खबर सामने आई है, जहां चुनाव निकाय द्वारा बताया गया है कि इस बार आयोग ने रिकॉर्ड संख्या में कुल 4,650 करोड़ रुपए नकदी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि भारत में लोकसभा चुनाव के इतिहास में इतने नकद पहली बार बरामद हुए हैं। चुनाव निकाय द्वारा बताया गया कि प्रवर्तन अधिकारियों ने लोकसभा चुनाव से पहले 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की है। इन AI टूल के जरिए आपका काम होगा आसान। कई AI टूल के जरिए आपका काम आसान हो सकता है। ये टूल घंटों के काम को मिनटों में कर देंगे। ये लोगों को मुफ्त में आसानी से मिल भी जाते हैं। ChatGPT, Slides AI, SoundRAW, Google Gemini, Synthesia आदि AI टूल आपके काम को आसान बना सकते हैं। Synthesia एंकर के साथ वीडियो बनाकर डालने में आपकी मदद करेगा। ये टूल म्यूजिक जनरेट करने का भी काम करता है। Slides AI की मदद से फ्री में किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। वही ChatGPT पर आप कई सवालों का जवाब पा सकते हैं। वही गूगल जेमिनी मुश्किल से मुश्किल सवालों का भी जवाब आसानी से देता है। एनडीए और इंडिया गठबंधन पर एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल में चौंकाने वाले खुलासे। बिहार में चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों ही जनता को लुभाने के लिए न जाने कई तरह के दावे कर रहे हैं। इसलिए एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने अपना ओपिनियन पोल करवाया है। इस ओपिनियन पोल में पता चला है कि एनडीए के हिस्से में 51% के करीब में वोट आए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को भी 40% के करीब में वोट मिले हैं। वहीं अदर को इसमें 9% तक वोट प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार की अंतिम तारीख 17 अप्रैल है, उससे पहले ये ओपिनियन पोल सामने आया है। ये सर्वे 11 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच का है, जिसमें करीब 57,566 लोगों ने अपनी राय 543 लोकसभा सीटों पर रखी थी। बता दें कि इसमें मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस 3 से प्लस माइनस 5% है। बिहार की बेटी विश्व बांस कांग्रेस आयोजन में लेगी भाग। ताइवान में 18 से 22 अप्रैल को विश्व बांस कांग्रेस का आयोजन होने वाला है। इस आयोजन में दुनिया भर से कई बड़े वैज्ञानिक, शोधकर्ता, उद्योगकर्ता, कारीगर, सरकारी और गैर सरकारी संगठन के लोग शामिल होने वाले हैं। इसमें बिहार की बेटी डॉक्टर ज्योति रानी भी भाग लेने वाली है। ज्योति इस आयोजन में अपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत करेंगे। इनके रिसर्च पेपर का विषय अगली पीढ़ी का बांस समाधान, नवाचार और डिजाइन रहने वाला है। आपको बता दें कि ज्योति ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से वन वनस्पति विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की है। इस आयोजन में शामिल होकर ज्योति ने न केवल बिहार बल्कि देश का सम्मान भी बढ़ाया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे नेतृत्वों की परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 8 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 10 अप्रैल को, ऑप्शन सी है 9 अप्रैल को, ऑप्शन डी है 11 अप्रैल को। इसका सही उत्तर है 10 अप्रैल को। हाल ही में भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन किया और आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है? ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है कजाकिस्तान। हाल ही में किस देश ने WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन सी बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है स्वीडन। इसका सही उत्तर है भारत। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी है इंदुलाल याग्निक, ऑप्शन सी है N रंगा, ऑप्शन डी है PC जोशी। इसका सही उत्तर है स्वामी सहजानंद। मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क के अंतर्गत राज्य का पहला पार्क कहाँ खुला है? ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी है पूर्णिया, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर है पूर्णिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजय कुमार वर्मा, सुमन कुमार मिश्रा, अमन कुमार राज, किशोर महतो, राजीव कुमार, संजय कुमार शर्मा, कृष्णन प्रसाद, मोहम्मद साकिर हुसैन, भारत प्रसाद, नौसाद रजा, सुभाष प्रसाद, लक्ष्मी कुमार, सुनील कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अभी आपके क्षेत्र में बिजली की कटौती कितने देर के लिए होती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।